जीरो जनपद वाले अपने भ्रम की स्थिति छोड़ दें। जो भी समझौता होगा, जिला वरीयता का ये सिंगल पीठ का जो आर्डर आया है और सीजे साहब का जो रूल पर आर्डर आया, उसी के अनुसार ही कुछ बात होगी। अन्यथा की स्थिति में न भर्ती हो, न जो है समझौता होगी, न कुछ होगा। और 51 जनपद के भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हताशा और से उभरिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। कोई समझौता होने वाला नहीं है। कोर्ट का जो आर्डर आएगा उसी का अनुपालन होगा। जीरो जनपद वाले जो है अफवाह फैलाए हुए हैं। सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि चूंकि रूल पर आर्डर आया हुआ है, भर्ती रूल पर होगी, शेष सीटें जो बचेंगी वो सीटों को बैकलॉग कर दिया जाएगा। इस कारण से जीरो जनपद वाले परेशान और बेचैन हो गए हैं कि जो 51 को नियुक्ति करने के बाद जो शेष सीट बचेगी, जीरो को नहीं मिलेगा। चूंकि जीरो छ जो है सर्कुलर सिंगल पीठ ने रद्द कर दिया है और जीरो ऑलरेडी अवैध है, वो जो है आवेदन करने के भी पात्र नहीं है, उसका आवेदन भी निरस्त हो जाएगा। अगर जम करके बहस करा दिया जाए तो आवेदन भी उसका निरस्त हो जाएगा, क्योंकि प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदन किया है और रूल में जो है जीरो जनपद का कहीं जिक्र नहीं है, तो आवेदन कैसे कर दिया। ये रूल जो है 40A1 जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, और जो है नौ जानकारी के कारण जो है 16,000 वाले नियुक्ति पा गए या 15,000 में नियुक्ति पा गए, और उस समय भी चैलेंज कर दिया गया होता तो वो लोग भी नियुक्ति से बाहर होते। आप टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए। कोई समझौता होने वाला नहीं है। जो कोर्ट का आर्डर आएगा वो होगा। वो केवल 51 जनपद वालों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग जो है इन लोगों में फूट पड़ जाए और जो है आपस में लोग लड़े, और जो है ब्रिजेश हो या मोहित हो, कभी भी जो 51 जनपद को पहले नियुक्ति पत्र देने पर राजी नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि एक साथ जैसे पहले लिस्ट बनी थी उसी लिस्ट के अनुसार भर्ती हो। अगर उस लिस्ट के अनुसार भर्ती होगी तो 51 जनपद के साथ धोखा होगा, ये कतई नहीं होगा, न ये कतई बर्दाश्त किया जाएगा। क्योंकि जो है जीरो जनपद वाले अवैध हैं, अवैध रहेंगे। 51 जनपद जो है हमेशा सही रहा है और उसे नियुक्ति मिलनी चाहिए। अगर इतना ही ये योग्य थे, 72%, 71%, 80% ये नंबर लाए हैं, तो इन लोगों के लिए जो है 68,500 और 69,000 की भर्ती निकली थी, इनमें इनका चयन हो जाना चाहिए था। लेकिन ये योग्य अयोग्य, ये शिक्षा मित्रों से भी अयोग्य हैं, क्योंकि इतना पढ़े लिखे होकर के 80% नंबर ला करके भी जो इनका 68,000-69,000 में नहीं हुआ, और ये सब जो है नकल करके और पैसे दे करके पास हुए हैं। हम तो इनकी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि 80% मेरिट लेने वाले जो है 68,000-69,000 में लोगों का चयन नहीं हो पाया। ये लोग शिक्षा मित्रों पर ही उंगली उठाते हैं कि शिक्षा मित्र योग्य हैं, वो अपनी योग्यता साबित करके 51,000 जो भर्ती हो रहा है उसमें ना हो जाए। क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, जिला वरीयता के चक्कर में पड़े हुए हैं।